नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए 7 दिसंबर से शुरू होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा इसी साल दिसंबर में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय चयन परिषद ने इसके लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन पटना हाई स्कूल के मैदान में किया जाएगा। यह परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होने वाली है, जो कि 30 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अलग अलग तारीखों पर बुलाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ समय पहले बिहार सरकार ने बहाली के लिए 11,880 पदों के लिए बहाली निकाली थी। इसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही ली जा चुकी है। इधर बिहार होमगार्ड में चालक सिपाही और परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही के पदों के लिए भी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीख भी जारी कर दी गई है। भागलपुर में लोगों से लदी नाव नदी में पलटी। भागलपुर जिले के नवगछिया के तीन टंगा दियारा में आज सुबह सुबह बड़ा हादसा हुआ, जहां नवगछिया के दियारा में 100 लोगों से भरी नाव गंगा नदी में पलट गई। हादसे में अब तक कई लोगों के जान गंवाने की खबर सामने आई है। हालांकि कुछ लोग गायब भी है, वहीं कुछ लोग तैरकर अपनी जान बचाने में सफल हो गए। स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नाव पर सवार होकर सभी लोग नदी पार करके खेती के लिए जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। स्थानीय गोताखोर लोगों की तलाशी में जुटे हुए थे, हालांकि लोगों के डूबने से हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक गोपाल मंडल भी वहां पहुंचे थे। आज शाम थम जाएंगे सभी तरह के चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ गया है। इसी क्रम में दो चरणों के सफलतापूर्वक मतदान के बाद तीसरे चरण के मतदान की तैयारी जारी है। हालांकि सभी पार्टियों की तरफ से जारी जनसभाओं और प्रचार प्रसार पर आज रोक लगने वाला है, जिसके तहत आज शाम को प्रचार प्रसार रोक दिए जाएंगे। वहीं तीसरे चरण का मतदान 7 नवम्बर को करवाया जाएगा। वहीं 10 नवम्बर को मतगणना होगी, जिसमें कुल मिलाकर 1204 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें, कुल मिलाकर 15 जिलों की 78 सीटों के लिए मतदान करवाए जा रहे हैं। वहीं तीसरे चरण के मतदान के पहले आज सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज आखिरी बार कई दिग्गज स्टार प्रचारक मैदान में प्रचार करते भी देखे गए। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे चंदन बिस्वास की। चंदन बिस्वास का जन्म 5 नवंबर 1985 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। चंदन बिस्वास एक बंगाली एडवेंचर स्पोर्ट्स कार्मिक और ट्रैवल राइटर है। वो सोलो ट्रांस हिमालय साइकिलिंग अभियान को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण बिहार में गिरा पारा। पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है, जिसका असर अब मैदानी हिस्सों में देखने को मिलने वाला है। वहीं उत्तर पश्चिमी दिशा में 12 से 16 किलोमीटर चलने वाली सर्द और शुष्क हवाओं की वजह से पटना में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे ठंड का एहसास लोगों को अब होने लगा है। पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से नीचे रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही दिन में निकलने वाली धूप में भी तपिश कम हो गई है, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। गुरुवार को गया का अधिकतम तापमान 30.5 और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तीसरे चरण में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत लगी है दांव पर। बिहार विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि तीसरे चरण में भाजपा 35 सीटों पर मैदान में उतरने वाली है। इसके साथ ही यह भी कारण है कि पिछले चुनाव में पार्टी अपने कुल 54 सीटों में से एक तिहाई से अधिक इन्हीं इलाकों में जीती भी थी। ऐसे में भाजपा के सामने इस चुनाव में अधिक से अधिक सीट जीतने की सबसे बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। पिछले चुनाव की बात करें तो भाजपा के खाते में 19 सीटें इन इलाकों में आई थी। वहीं साल 2010 के चुनाव परिणाम को देखें तो 35 सीट में से भाजपा के खाते में 27 सीटें आई थी। इस चुनाव में भी भाजपा की कोशिश है कि वो साल 2010 से भी अधिक सीटें जीते, ताकि सत्ता की राह आसान हो सके। जदयू ने लालटेन की लौ बुझने के बाद चिराग की भी कोई बिसात नहीं होने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। इसी क्रम में चुनावी सभाओं पर भी आज पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, जिसके बाद तीसरे चरण पर 78 सीटों पर उतरने वाले प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। वहीं इसी बीच बयानबाजियों के बाजार भी काफी ज्यादा गर्म है, जिसके तहत जदयू ने अपनी तरफ से एक बार फिर से लोजपा और राजद को निशाने पर लिया है, जहां जदयू नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी और चिराग पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लालटेन की लौ बुझ गई है, फिर चिराग की क्या बिसात है। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को जंगलराज का युवराज भी करार कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए मौका मिलने पर दोबारा काम करने की कही बात।
तीसरे चरण के तहत आज चुनावी प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगा दिए जाएंगे। वहीं प्रचार से पहले कई दिग्गज नेताओं ने अपनी जनसभाओं का संबोधन भी किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज अपनी चुनावी जनसभा के तहत कटिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा ही साथ ही उन्होंने एक और मौका देने की भी अपील की, जिसके तहत उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिर्फ कुछ लोग काम नहीं जुबान चलाते थे, उनको सिर्फ जुबान ही चलाना आता है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ काम पर भरोसा करते हैं, सभी समाज के लिए काम करते हैं। आपने अवसर दिया तो मैंने काम कर दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है, ये सभी लोग देख चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिला वोटरों को भी लुभाने की कोशिश की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को सम्मान देना होगा। चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना। तीसरे और आखिरी चरण के प्रचार प्रसार पर आज पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाएगी। वहीं प्रचार प्रसार पर निकलने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को बिहार में भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग ने दावा किया है कि पहले और दूसरे चरण में लोजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को 10 नवंबर को एक अड़े मार्ग खाली करना पड़ेगा। लोजपा के उम्मीदवार ज्यादातर सीटों पर जीतेंगे। चिराग ने कहा है कि तीसरे चरण में भी मतदाताओं के बीच लोजपा को लेकर काफी उत्साह है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे कमजोर मुख्यमंत्री भी करार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट के माध्यम से बिहार वासियों तक पहुंचने का किया प्रयास। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से बिहार वासियों पर निशाना साधने की कोशिश की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन को पसंद किया जाता है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से आत्मनिर्भर बिहार के लिए भी अपना दृष्टिकोण प्रकट करने की बात कही है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले दिनों मुझे बिहार के अपने भाइयों बहनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दिया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमि का चरण स्पर्श मुझे जनसेवा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। उन्होंने कहा, चूंकि बिहार ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को सर्वोच्च माना है, इसलिए राज्य के लोग सुशासन की राजनीति पसंद करते हैं। आखिरी दिन प्रचार करने मैदान में उतरे तेज प्रताप। आज चुनावी प्रचार का शोरगुल पूरे तरीके से थम जाएगा। वहीं 7 नवंबर को तीसरे चरण के प्रत्याशी की किस्मत का फैसला होगा। इसी क्रम में प्रचार के आखिरी दिन मैदान में तेज प्रताप यादव भी दिखे, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव आज महुआ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव आज अपने इलाके को छोड़कर पहली बार चुनावी प्रचार करने निकले। इससे पहले वो सिर्फ अपने इलाके हसनपुर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान करने पहुंचे थे और लोगों से वोट करने की अपील की थी। वहीं महुआ जाने से पहले तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत भी की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बिहार में विकास की गंगा बहेगी। नेल पॉलिश का नया टीजर हुआ जारी। Zee5 अपने दर्शकों के लिए एक के बाद एक कई फिल्मों को लॉन्च कर चुका है। वहीं अब नेल पॉलिश फिल्म जल्द ही यूजर के लिए लॉन्च होने वाली है। हालांकि इस फिल्म की घोषणा लॉकडाउन के बाद की गई थी, अब इसका पहला टीजर जारी हो गया है। इसमें मानव कौल और अर्जुन रामपाल बिल्कुल अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। हालांकि जारी किया गया टीजर काफी इंटेंस नजर आ रहा है, जिसको देखकर दर्शकों की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें, यह एक स्ट्रॉन्ग रूम का ड्रामा है। इसमें जज की भूमिका रंजीत कपूर ने निभाई है। आईपीएल के 13वें संस्करण का पहला क्वालिफायर मैच आज। आईपीएल का 13वां संस्करण अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। वहीं अब आज इस संस्करण का पहला क्वालिफायर मैच खेला जाना है, जिसके तहत अपने नाम इस खिताब को कई बार कर चुकी मुंबई का मुकाबला युवा से भरी टीम दिल्ली से होने वाला है। इस मैच को जीतने में जो भी टीम कामयाब होगी वो सीधा अपनी जगह फाइनल में बना लेगी। हालांकि हारने वाली टीम को भी निराश होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि टीम को एक और मौका जरूर मिलेगा। मुंबई की बात करें तो मंगलवार को खेले गए मैच में सनराइजर के हाथों 10 विकेट से हारने के बाद उसकी लय थोड़ी गड़बड़ जरूर हो गई है। हालांकि टीम आज जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी और फाइनल में अपनी जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की बात करें तो अपने पहले खिताब की कवायद में लगी दिल्ली ने लगातार 4 मैच गंवाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस जीत से निश्चित तौर पर उसका मनोबल बढ़ा होगा। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 83 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 50,465 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 83,64,086 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 704 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की
की संख्या बढ़कर 1,24,354 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं आपको बता दें भारत में अब तक कुल मिलाकर 76,56,478 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 5,27,962 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में किस पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।